अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। एक चीज़ जो सवाल हमेशा मेरे दिमाग में आता है वो ये है कि मॉडर्न मेडिकल साइंस ने इतनी तरक्की कर ली कि हम सेलुलर लेवल के ऊपर जेनेटिक डिकोडिंग की आज बात कर रहे हैं। कल एक पेशेंट ने अपनी रिपोर्ट भेजी जिसमें वो वाई क्रोमोसोम की डिलीशन का टेस्ट बता रहे थे। इसी तरीके से ऑनको जीन्स की हम बात करते हैं जो कि 20 25 30 साल पहले आपको ये बता देता है कि खुदा ना खास्ता आपको कैंसर होगा कि नहीं होगा। तो ऐसी सूरत में जो क्रॉनिक बीमारियां हैं हमारे इर्द गिर्द, डायबिटीज़ है, हार्ट के प्रॉब्लम्स हैं, कैंसर है, अस्थमा है, या इस तरह की जो क्रॉनिक है, हम इसका हल क्यों नहीं कर पाते? तो उसकी एक रीज़न मेरे जहन में ये है कि हमने जो तिब्बे कदीम के बुनियादी मार्कर्स थे उनको छोड़ दिया। हम सेलुलर लेवल की इन डेप्थ पेनिट्रेशन के ऊपर चले गए और जो जो बुनियाद थी इसकी मिसाल बिल्कुल इसी तरह से है। अगर आपने लाहौर से कराची जाना है और आप जो है एक गलत रास्ते पे, फॉर एग्जांपल गिलगित के रास्ते पे चल पड़ेंगे, तो जब तक आप लाहौर वापस नहीं आएंगे आप कराची की तरफ का सफ़र नहीं तय कर सकते। तो बुनियाद को छोड़कर अगर हम ये कहें कि हम अपने असल रास्ते पे यानी एक आइडियल हेल्थ के सरकमस्टेंसेस क्रिएट कर सकें, ये मुमकिन नहीं होगा।